जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ कमल के पुष्प पर नहीं लगना चाहिए, कीचड़ अगर कमल के पुष्प पर लगेगा तो श्रेष्ठ होगा क्या? नहीं। संसार में रहो मना नहीं है, ये झूठे संसार में हमें रहना पड़ेगा, परिवार में हमें रहना पड़ेगा, कुटुंब कबीले में हमें रहना पड़ेगा, सारे परिवार में तुम रहो, पर एक बात का ध्यान रखकर रहना कि हमें संसार में रहना, पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना, दो मिनट में छोड़ दूंगी, दो मिनट में, तो कहां जाएगी छोड़ के? तो चिल्ला के मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, ने मथुरा चली जाऊंगी, ने गोवर्धन चली जाऊंगी, काय के लिए जाए? वहां कोई संत मिलेगा, उसकी शरण में चली जाऊंगी। आप लोगों की जो विचार दृष्टि है ना, यही है। बोलो सही है कि गलत है? कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई तपस्वी मिले, उसकी शरण में जाऊंगी। पर शिव महापुराण तो स्पष्ट मना करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम संत के ढूंढने के लिए वृंदावन काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मथुरा काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए हरिद्वार काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मां काशी काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए सियोर काय को आओ, तुम तो अपने घर में कोई ऐसा संत पैदा कर दो कि दुनिया तुम्हें ढूंढती हुई आ। तुम काय को जा रहे हो किसी संत की शरण में? संत अपने घर में पैदा होना चाहिए। जिसको देखो रोती रोती एक ही बात के में तो किसी संत की शरण चली जाऊं, काय को जाए? शिव पुराण तो कह रही घर में संत पैदा होना चाहिए, सब प्रयास करो। 25-50 लोगों को बिठा कर देखना, बात करके देखना, और साहब तुम्हारा कितना बच्चा? तो क्या हमारा 2-3 बच्चा? अच्छा, तुम्हारा कितना बच्चा? क्या हमारा 2? कोई क्या हमारा 1? कहीं से पूछो, छोरी कहीं कर रही है? बस मन है मेरा, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। ओहो, उससे पूछा तुम? बस मैंने तो सीए की पढ़ाई में लगा दिया उसको, सीए बनाना चाहूँ। कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? बोलते जाओ मैं सीए बनाना चाहूं, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूं। 50 लोगों को क्या, पूरी पृथ्वी के लोगों को बिठा कर देख लेना, 50 रिश्तेदारों को बिठा कर देख लेना, एक ही बात के कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूं, कोई कि मैं डॉक्टर बनाना चाहूं, कोई कि मैं अपनी छोरी के कलेक्टर बनाना चाहूं, पर आज तक किसी के मुंडा से नहीं निकला कि मैं इसको सावित्री और सीता बनाना चाहूं। आज तक निकला किसी के मुंह से कि इसको मैं सावित्री बनाऊंगी, इसको मैं सीता बनाऊंगी, ने मेरे बेटे को प्रहलाद बनाऊंगी, ने ध्रुव बनाऊंगी, ने स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, ने रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, ने जगत गुरु शंकराचार्य बनाऊंगी? एक के मुंडा से नहीं निकला, जिसके मुंह से निकला डॉक्टर बनाऊंगी, ने इंजीनियर बनाऊंगी, ने मैं ये बनाऊंगी, ने फलाना बनाऊंगी, ने ढिमका बनाऊंगी, है सब के मुंडा से निकले मैं ये बनाऊं, पर एक के मुंह से नहीं निकले कि मैं स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, मैं रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सावित्री बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सीता जैसी बनाऊंगी कि कहीं पर भी रहे पर मन उसका अपने पति के चरणों में लगा रहे, ऐसा बनाने का मैं प्रयास करूंगी। पर मुंडा से निकले तब तो डॉक्टर बनाऊंगी। सबको धन दिख रहा है, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो खूब जम के बोलो कमाएगा, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी खूब कमाएगी, सीए बनेगा मेरा बेटा खूब कमाएगा, ये बनेगा तो खूब कमाएगा। एक दिन कलम और कटार दोनों में लड़ाई हो गई। कटार ने कलम से कहा कि कलम गजब की है रे तू, मैं तो साल दो साल में एक बार लोगों को काटू, पर तू गजब करे रोज काटती फिरे। कलम रोज ना जाने कितनों को काट देती है। जिसकी पास धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, किसी के यहां गए साहब देखना मेरी तबीयत खराब है, कलम ने लिख दिया जाओ ये जांच कराओ, कटा कि नहीं कटा?
जरा सा सिग्नेचर करा, टेंडर पास, कटा कि नहीं कटा? कटार तो केवल साल भर में 6 महीने में एक बार काटती है, पर कलम तो रोज सुबह से लेकर शाम तक काटती रहती है, ना जाने कितों को काटती है, कितों को। दोनों में विवाद, दोनों में लड़ाई चल रही है। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास तो करो। हम फिर निवेदन करेंगे बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े छोरा के मंत्री संतरी कलंत्री जो बनाना हो सब बनाओ, पर निवेदन है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान बनाओ। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक छोड़ कर नहीं आएगा, नहीं डोकरी तड़प तड़प के मर जाएगी, पड़ोसी का बेटा उन समाज।